खाली पेट खाली जेब और झूठा प्यार इंसान को जिंदगी में वो सबक खा जाते हैं कि बड़े से बड़ा उस्ताद भी नहीं खा पाता। मर्द औरत से उस वक़्त ना जाता है बल्कि हौसदा हो जाता है जब हर वक़्त बोलने वाली औरत खामोशी इख्तियार कर ले। औरत मोहब्बत कर ले तो सब सुनकर अभिजात की तस्वीर करवा कर भी मोहब्बत पर कायम रहती है। जब तक औरत ना चाहे मर्द अपनी हद कभी पार नहीं कर सकता। मोहब्बत में महबूब की खुशी को अहमियत देना मोहब्बत को साबित करता है। कितनी अजीब बात है ना, मोहब्बत को साबित भी करना पड़ता है कि मोहब्बत है। इश्क के हर साथ अक्सर जवानी का सदका मांगते हैं। आज इंसान सिर्फ मकान में रहता है, उसका घर खत्म हो गया है। बड़ी गैलरी में बड़ी तस्वीरें नीमत का सामान हो रही हैं। बड़ी जवानी गुजर रही है किसी की आँख का तारा हुए बगैर। वो शख्स कभी इसका कभी उसका कभी मेरा वक्त हुसन बर्बाद कर लिया उसने मोहब्बत की तजारत करते करते। जिंदा लोगों को पाँव तले लौट के हम कब्रों पर पाँव रखते हुए खौफज़दा होते हैं। एक दरवेश ने कहा कि दो चीज़ें औरत को मर्द से दूर करती हैं और वो मर्द को छोड़ देती है। एक बिना वजह गुस्सा और बेरुखी करना, दूसरा उसकी तस्वीर करना। कमज़ोर अन्नप्रस्त और ख्वाहिशों के अमीर इंसानों को आजमाने से बेहतर है आवाज़ जबत आजमा लो। औरत को बस प्यार वाली जबान समझ आती है। प्यार नरमी और मोहब्बत से बोल के तो देखो, वापस सब कुछ कुर्बान कर देगी। आजकल मर्द औरत के जिस्म तक पहुंचने के लिए दो काम करता है, हमदर्दी दिखाता है, हद से ज़्यादा तारीफ करता है। और जब मर्द अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तब औरत उसके कोई मायने नहीं रखती। फिर औरत कहती है मर्द बदल गया है। अगर तुम मोहब्बत के बदले मोहब्बत चाहते हो तो तुम मोहब्बत में तजारत कर रहे हो, क्योंकि मोहब्बत में महबूब की खुशी ज़रूरी होती है ना के बदले में मोहब्बत। इश्क में इसे धोखा खाने लगे हैं लोग, रूह की जगह जिस्म को चाहने लगे हैं लोग। अब आता नहीं किसी पे एतबार जाना, अब हर कोई तुम सफरेब रखता है। गम है तो कोई लुत्फ नहीं बिस्तर गुर पर, जी खुश है तो कांटों पे भी आराम बहुत है। माफिया गलतियों की होती है, हर जगह मुंह मारने के नहीं। चरम मकामात पर आपका खुद को बेवकूफ करना ही दर हकीकत बहुत बड़ी समझदारी होती है। जिंदगी भर एक दूसरे के दोस्त बने रहना चंद रोज के आशिक होने से बेहतर है। एक बार या औरत की निशानी ये है कि जब वो किसी मर्द से तल्लुक बनाने के लिए तड़प रही होती है तो वो उसे निकाह करने का कहती है। अंधों से देख ना पाने और गुंगों से बोल ना पाने का दुख समझ के आओ, फिर तुम उसके जाने का दुख जान सकोगे। बेवफाओं को माना नहीं जाता, उनकी जान नहीं ली जाती। जान लेना उन्हें आज़ाद करना या उन्हें रिलीफ दे देना है, बल्कि बेवफाओं को पछतावे की जिंदगी देख कर छोड़ दिया जाता है।